रिफॉर्म, प्रोसेसर फंडामेंटल्स एंड द टॉपिक इज बिट मैनिपुलेशन। इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ कॉपी में करते चले जाइएगा। नथिंग विल गोइंग टू बीट द कॉपी दैट यू विल गोइंग टू मेंटेन। सही है, रिमेंबर दैट ऑल द नोट्स विल बी देयर, ऑल द वीडियोस, ऑल द लेक्चर्स, बट ड्यूरिंग लेक्चर आप अपनी कॉपी मेंटेन करोगे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उसका और कोई लेवल नहीं हो सकता। बिट मैनिपुलेशन के अंदर बेटा मैं एग्जांपल के बाद में क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इफ वी हैव अ रजिस्टर, लेट्स सपोज वी टेक दिस 8 बिट रजिस्टर। बेटा आई ऑलरेडी नो कि इस क्वेश्चन को मुझे दो तीन चार दफा करवाना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल अबव एवरेज है। बेटा बिट जो है सावेस, एक सिंगल प्लेस जहां पे आप जीरो या वन स्टोर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्लेस यूनिट वेर यू कैन आइदर स्टोर जीरो और वन, इज नोन एज बिट, विच कैन होल्ड एंड स्टोर एंड लेटर इट कैन बी रेड, मतलब वहां से आप रीड भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, आप स्टोर करो वो वहां पे स्टोर हो जाए और वहां पे उसको अपडेट कर सको, बाद में रीड भी कर सको। क्या चैप्टर फॉर बिट मैनिपुलेशन, लेट्स सपोज वी हैव एंड वी हैव दिस डेटा स्टोर्ड और हमें ये कहा जाए कि ये रजिस्टर है, इसको आप रीसेट कर दें। रजिस्टर एक्स 2 0, इसकी सारी वैल्यू 0 0 0 0, कोई ऐसी कमांड रन कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की कि ये सारी वैल्यू 0 हो जाए। हमारे पास जो कमांड के लिए कुछ उसने हमें आउटपुट दिए हुए होंगे, जॉर एंड और ऑप्शन उसने हमें लिख के नीचे दिया हुआ होगा इस तरह से, ऑपरेंड क्या होगा और ऑपकोड क्या होगा। सॉरी, पहले ऑपकोड आएगा, माय बैड, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। असेंबली लैंग्वेज में याद है ना, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है LDD और 501, ये ऑपकोड होता है, ये ऑपरेंड होता है। असेंबली लैंग्वेज के में दो पोर्शन होते हैं, एटलीस्ट दो पोर्शन होते हैं। हाँ लेकिन बेटा ये बिल्कुल एक सेपरेट, हाँ आज भी हम बैठ सकते हैं लेकिन अभी ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ऑपकोड और ऑपरेंड, मुझे इस रजिस्टर की वैल्यूज को करना है जीरो। बेटा आपकी कॉपी क्या है, क्या कर रहे हो शाम, यहाँ के बैठो। ओके, अगेन रीसेट रजिस्टर एक्स 2 0, रजिस्टर एक्स को हमें 0 के साथ रीसेट करना है। सही है शाह। तो बेटा मैं कमांड यहां पे क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखता हूं एंड हैश 0, अब इसका मतलब क्या, दैट्स व्हाट वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म। बेटा वैल्यू हमारे पास रजिस्टर में क्या स्टोर थी, ये और हमें क्या करना था कि कमांड ऑपकोड इज द कमांड और दिस इज द ऑपरेंड, ऑपरेंड इज द वैल्यू, इट्स अ रजिस्टर समथिंग। सावेज मुझे हैरत हो रही है वैसे कि वो जो छठी सातवीं के बच्चे होते हैं ना उनकी तरह। अब बेटा इधर आ जाओ,
it shouldn't be the situation, but it is the situation actually. It's disappointing. क्यों नहीं आ रहा समझ में आपको पता बेटा इसका प्रीवियस टॉपिक से कोई लिंक नहीं है ये ऑफर है कि क्या आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा सर्विस सुनो देखो असेंबली लैंग्वेज ना आप मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप असेंबली लैंग्वेज की ट्रेसिंग कर चुके हो मेरे साथ हर क्लास में बेटा मुझे रिवाइज करवाना पड़ेगा तो फिर आप बात तो नहीं बनेगी ना मैं अकेले लेके बैठ जाऊंगा फिर भी देखो इस तरह के किसी भी हमने ना बहुत सारे कुछ प्रोग्राम तो कर लिया ना तुमने इस तरह के हाँ याद आ रहा है ना आपको बिल्कुल ये असेंबली लैंग्वेज के कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन के हमेशा दो पार्ट होते हैं इसको हम कह रहे होते हैं ऑपकोड ये वाला पार्ट और इसको हम कह रहे होते हैं ऑपरेंड एक और इंस्ट्रक्शन ऑपकोड हमेशा कमांड होती है कि करना क्या लोड करना है कहाँ से करना है 365 ऑपरेंड क्या होता है या तो एड्रेस होगा या वैल्यू होगी कंपेयर करना है किसके साथ रखी हुई वैल्यू 366 एक एड्रेस है जंप करना है ये कमांड है उसमें जंप कर जाओ कहाँ कर जाओ एड्रेस 209 के ऊपर तो हम जंप करके यहाँ पर आ जाए इंक्रीमेंट कर दो कमांड है किसको इंक्रीमेंट कर दो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर दो जेपी तब होता है जब ट्रू होता है अभी खैर सिर्फ मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज की आपको हमेशा एटलीस्ट आप एक इस तरह की कमांड भी हो सकती है इसके साथ ऑपरेंड नहीं है सिर्फ ऑपकोड सही है लेकिन इसका मतलब ये होगा कि एक्यूमुलेटर पे जो कुछ भी रखा हुआ है उसको आउट कर दो मतलब असेंबली लैंग्वेज कहने का मतलब ये कि अभी फिलहाल मैं चाह रहा हूँ इतना ब्रेनस्टॉर्म कर लो कि असेंबली लैंग्वेज के हमेशा दो पोर्शन होंगे एक ऑपकोड कहलाएगा एक ऑपरेंड कहलाएगा अब आ जाते हैं वापस यहाँ हमारे पास इस जगह पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिट मैनिपुलेशन के अंदर हम एक सिचुएशन हमें दी हुई है एक रजिस्टर 8 बिट का इसके अंदर प्रीवियस कोई भी वैल्यू स्टोर है शाह बेटा फोन पे क्या कर रहे हो लाओ मुझे मुझे ला कर लो यार इसका भी वही हाल होगा अगली क्लास में बोलेगा मैंने पढ़ा ही नहीं था मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए बट आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा टाइम ले लो आप नहीं कर पाऊंगा ऑपरेंड अच्छा ऑपरेंड से पहले ये 8 बिट का एक हमारे पास रजिस्टर है 8 बिट का इसमें कुछ जीरोस एंड वन स्टोर है मुझे सबको जीरो करना है मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि इस पूरे 8 की 8 बिट्स जो है वो जीरो हो जाए ऑल ऑफ देम सबको जीरो के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो हम कमांड रन करेंगे एंड हैश जीरो हाँ हैश का मतलब होता है कि जो जीरो है ये डेसिमल का जीरो इससे होगा क्या एंड इस रजिस्टर को जिसकी वैल्यू बता देखो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया बिल्कुल यही लिखा हुआ ना 0001010 इसको मैं एंड कर रहा हूँ जीरो के साथ इसका मतलब ये है कि सारे जीरोस के साथ आप इनको आपस में कर रहे हो एंड एंड का टू टेबल याद है जीरो जीरो पे आउटपुट क्या आता था जीरो जीरो और वन को जब आप एंड करते थे तो क्या होता था जीरो वन और जीरो को एंड करोगे वन और जीरो को सिर्फ वन और वन को एंड करोगे तो क्या मिलेगा वन मिलेगा अब आप इन दोनों को आपस में एंड करो तो फाइनल रिजल्ट जीरो ही आएगा इन दोनों का भी फाइनल रिजल्ट जीरो जीरो वन को एंड करोगे तो फाइनल रिजल्ट जीरो वन और जीरो को एंड करोगे फाइनल रिजल्ट जीरो जीरो तो सारे के सारे जीरो हो गए इसका मतलब ये कि आपने जब एंड किया ये ऑपरेंड हो गया कमांड सॉरी ऑपकोड हो गया एंड करो जीरो के साथ इसका मतलब ये है अच्छा नेक्स्ट थिंग
अगर हमें कहा जाता है कि यही जो रजिस्टर एक्स है इसको आपने रीसेट तो कर लिया, ये रीसेट हो गया, सारे जीरो हो गए, अब आपने इसमें एक नई वैल्यू सेट करनी है, सेट वैल्यू 24 टू रजिस्टर एक्स आफ्टर रीसेटिंग। रीसेट हो गया, सारे जीरो हो गए। अब हमने इसमें बाइनरी के फॉर्म में 24 स्टोर करना, तो इसका हम ऑपकोड और ऑपरेट कैसे लिखेंगे? गैस करो क्या करेंगे, 24 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या बनता? देखो ट्वेंटी फोर कैसे बनेगा, अगर इसको मैं 1, 2, 8, 16, 16 और 8, 24 हो गया, सारों को जीरो कर दिया। और के अंदर क्या होता है कि कोई सा भी वन हो तो वन होता है। हाँ क्या कर, क्या नहीं कर रहा, वो एग्जाम होगा ना, वो भी कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल भी देता, अभी फिलहाल सिर्फ इसको समझाऊंगा, वो भी करेंगे एग्जाम भी करेंगे बेटा। और में क्या होगा, जीरो 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 वन, और के अंदर और का ट्रू टेबल है, जीरो वन के अंदर वन, वन जीरो के अंदर वन, वन होगा ना, और में कोई सा भी वन हो सारे वन हो वन होता, सिर्फ जीरो जीरो पे जीरो होता है। अब इसको जब और करोगे ना तो जीरो जीरो जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन बेटा। इसको जब हमने एंड किया था तो एंड करके ये यहां तक समझ में आ गई थी, सारे जीरो हो गए। अब उसने यहाँ पे क्या बोला कि आपने 24 सेट करना है किसी रजिस्टर के अंदर, किसी रजिस्टर के अंदर, सही है, वो उसको बाद में करेंगे, रुक जाओ। इसी के अंदर बेटा क्या करेंगे चावेज, इसी के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, 24। अगर मैं 8 बिट के रजिस्टर में वैसे ही 24 बनाऊं, आप आपसे बोलूं कि यार ये 8 बिट का रजिस्टर है, आप इसको यूं करो कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, और मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 24 स्टोर करना है, आप कैसे करोगे, आप ये कर लोगे, आप मुझे जल्दी से बना के दिखा दोगे, सर ये हमने 24 बना लिया, बन गया ना बाइनरी का 24 बन गया। इसका मतलब ये कि ये जो 8 बिट का रजिस्टर जो कि सारा जीरो हो चुका है, इसके अंदर हमने 24 लेकर आना, सेट करना, इसमें 24 लेकर आना, ठीक है। 24 इसमें किस तरह से लेकर आएंगे, इसी 8 बिट के रजिस्टर को तुम और कर दोगे इस वैल्यू के साथ, ये जो तुमने अभी नीचे फाइंड आउट किया है। और का फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई सा भी वन हो तो वन हो जाता है, ये तो खैर जीरो जीरो है, जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, जीरो प्लस वन ये हो जाएगा, वो वैल्यूज इसके अंदर चली जाएगी, ये भी वन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके साथ और करने की वजह से इसके अंदर भी आपके पास 24 आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू इस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी ना यहाँ पे फाइनल, तो आपको आप बोलोगे कि रजिस्टर एक्स पे 24 स्टोर है, सेट हो गया 24। अब यहाँ पे आपने कमांड क्या यूज की, और किया, और आप हैश 24 भी लिख सकते हो, हैश 24 को ऑटोमेटिकली वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसी और को आप बाइनरी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाइनरी की फॉर्म में क्या बन रहा था, ये 0 0 0 1 1 0 0, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज है, बी का मतलब बेटा ये मैंने इस तरह से लिख दिया, 24 24 को यूं बनाएगा, बना के फिर उसके साथ और करेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली उसको बी की फॉर्म में दे देंगे तो कंप्यूटर के लिए और आसानी हो जाएगी। देखो 24 बन रहा है, इसको 1, 2, 4, 8 करो,
बी का मतलब ये कि ये जो हमने पूरा मास्क दिया है उसको बोलते हैं मास्क, बिट मास्क। ये जो बिट मास्क दिया है ये बिट हमने बिट की फॉर्म में दिया, जीरो एंड वन की फॉर्म में दिया, बाइनरी की फॉर्म में दिया। हैश का मतलब डेसिमल की फॉर्म में, बी का मतलब बाइनरी की फॉर्म में। अभी हेक्सा की तरफ तो मैं लेके नहीं जा रहा, पहले ये कर लेता। बेटा इसमें एक चीज देखिएगा कि जो अगली चीज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है आपके लिए, ये चीज हमें समझ आ गई कि अगर किसी भी रजिस्टर के अंदर वैल्यू सेट करनी हो तो पहले उसको आप एंड कर दें जीरो के साथ, सारा रजिस्टर जीरो हो जाएगा। फिर उसमें वही वाली वैल्यू जो आपको सेट करनी है उसके साथ और कर दो, सही है। तो आपको अगर मैं ये कहता कि ये वाली बात करता ही नहीं, ये वाली चीज आपसे पूछता ही नहीं, आपको मैं डायरेक्ट कहता कि सेट वैल्यू कर दो 24 टू रजिस्टर एक्स, ये भी नहीं लिखता। तो आपको पहले एंड करना पड़ता, ऐसे ही है ना, पहले एंड करते फिर उसमें और करते, यानी कि आपको ये दो इंस्ट्रक्शंस अल्टीमेटली ये वाली इससे पहले रन करनी पड़ती है। एंड हैश 0 करोगे तो फिर और हैश 24 करोगे, ये दोनों चीजें मिला के 24 सेट करेंगे, सही है शाह बेटा। बेटा इसी चीज को मैं एक और तरह से कर रहा हूँ, वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, इस रजिस्टर को, इस वाले रजिस्टर को, बस इस रजिस्टर के अंदर अगर हमें 24 स्टोर करना होगा तो हम पहले क्या करेंगे एंड हैश 0 करेंगे ताकि सारे 0 हो जाए, फिर उसमें हम क्या करेंगे और हैश 24 करेंगे ताकि इसमें 24 स्टोर हो जाए। लेकिन अगर हमें 24 डायरेक्ट करना है और हम चाहते हैं कि क्या एंड मल्टीप्लायर और ऐड होता है, बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि इस रजिस्टर के अंदर बेटे कौन से देखिएगा, इस रजिस्टर की ये जो प्रीवियस वैल्यू है, सावेश तुम फोन यूज कर रहे हो क्या शाह, आपसे किसी ने नहीं पूछा बेटा। बेटा अगर इस 8 बिट के रजिस्टर की इसी जो प्रीवियस वैल्यूज है इसी के अंदर अगर आपको डायरेक्टली एक ही कमांड के साथ वैल्यू को स्टोर करना है तो आप क्या करोगे। मैं बेटा वैल्यू को दोबारा लिख रहा हूँ जो इसके अंदर स्टोर है इस वक्त, क्या इसके बाद क्या है भाई, 000 के बाद 1 0 और क्या लिखा हुआ है इसमें, 110, सही है बेटा। ये 8 बिट है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यही वैल्यू एज इट इज ये लिखी हुई है ना, रजिस्टर मैंने दोबारा बना दिया, रजिस्टर पूरा दोबारा बना लेते हैं। एट बिट्स हो गई, अच्छा तो बेटा ये रजिस्टर मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है इस जगह पे, बिट मैनिपुलेशन, दिस होल रजिस्टर इज हेयर अगेन। इसके बाद मुझे आप मुझे उम्मीद है कि तुम लोग खुद करके दिखाओगे। बेटा इस रजिस्टर को हम ये वाला काम करके 24 पे सेट कर चुके हैं, पहले एंड हैज 0 किया फिर और किया 24 के साथ। नाउ लुक, आई एम आस्किंग यू फॉर ए सिंगल कमांड ऑपरेंड के लिए भी और बल्कि पहले ऑपकोड लिखेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ऑपरेंड के लिए भी। अब बजाय इसके कि इसको मैं सेट टू 0 करूं फिर और करूं 24 को, मैं जोर यूज करते हुए सिंगल कमांड के साथ इसको 24 पे सेट कर सकता हूँ। बेटा जोर का ट्रू टेबल बताओ पहले मुझे, नहीं बेटा जोर में ये होता था कि अगर इनपुट सेम होगा ना जीरो होता,
जीरो जीरो पे, जीरो वन वन पे, वन वन पे जीरो, इन दोनों पे वन और वन आएगा। जोर में क्या होता है बेटा, इनपुट सेम होता है तो आउटपुट जीरो होता है, पहले ये रिकॉल करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे कि आपको इसके लिए बिट मास्क बना, आपको फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए हम पहले से बना लेते। ट्वेंटी फोर हमें बना लें, हमें पता है ट्वेंटी फोर क्या होगा, ये 24 होगा। हम इस रजिस्टर के साथ किस चीज को जोर करें कि हमारे पास नीचे ये वाली वैल्यू बन जाए, ठीक है। हमें क्या करना है 24 पे सेट करना है। बेटा मेरे पास यहाँ आके बैठ, बेटा यहाँ आके बैठो ना, यू डिस्ट्रैक्टेड एंड यू डिस्ट्रैक्टिंग द होल क्लास। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, एक दो दफा कहने से सर्जिश हो जाती है, फिर उसको फिर मेंटली चैलेंज में कंसिडर करता है, तो कंटिन्यूसली बार बार बताने से भी आपको रियलाइज होगा। तो काउंसलर्स के पास भेजना, एवेलुएट करना, डॉक्टर के पास भेजना, सेक्रेटरीज के पास भेजना, हम नहीं चाहते सारे प्रोसेस में से करते, बेटा तवज्जो दो। इधर देखो, शाबाश बेटा। मैं ये कह रहा था कि ये वाली जो चीज है ना, इसको हमने क्या किया, एंड और करके वैल्यू 24 सेट की। वो देखो ये प्रीवियस वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी, और ये रिजल्ट हमें जनरेट करना, हमें पता है कि ये 24 है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि सिंपली किसी एक चीज के साथ इसको जोर करें ताकि हमारे पास ये वाला रिजल्ट बन जाए, ठीक है। जोर में क्या होता है कि जोर का ट्रुथ टेबल भी हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, सही है। बिट मास्क बनाना है हमें, तो जीरो को अगर हमें यहाँ पे नीचे जीरो चाहिए इस जगह पे, जोर में आप जीरो को जीरो करोगे, उसके साथ जोर करोगे तो यहाँ पे जीरो आके स्टोर होगा, क्योंकि जोर के अंदर जीरो 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 होता है, ये हमारा एंड रिजल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला जीरो समझ लो, ये मौजूद है, हमें ये बनाना है, कौन सा वाला बनाए, सही है। ओके लेट्स हैव अ लुक। उसके बाद एक सेकेंड यार, हमारा पूरा हाँ जीरो नीचे भी दोबारा जीरो चाहिए, जीरो के साथ सॉल्व कर दो, जीरो आ जाएगा यहाँ पे जीरो है, जीरो को जीरो के साथ सॉल्व करो, जीरो मिल जाएगा। यहाँ वन है, नीचे वन चाहिए, तो यहाँ हमें जीरो लिखेंगे, क्योंकि वन जीरो जोर के अंदर क्या होता है, वन होता है, डिसिमिलर हो तो वन होता है, सही है बस। अच्छा नीचे यहाँ पे वन चाहिए बेटा, ऑपकोड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पहले से भी मास्क की तरफ ध्यान दो, ऑपकोड कमांड है, जोर कर रहे हैं बस, ये देखो दोबारा देखो, सही है, मैं जोर कर रहा हूँ, जीरो 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 जीरो, ये तीनों नीचे जीरो जीरो स्टोर हो गए, ऊपर वाला नीचे वन चाहिए, वन वन सॉरी ऊपर वन है ना, नीचे मुझे जीरो लिखना होगा, क्योंकि वन और जीरो जोर करेंगे तो नीचे वन आएगा, यहाँ वन आएगा, क्योंकि जीरो और वन नीचे वन होता है, यहाँ वन है, नीचे जीरो चाहिए, वन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वन वन जोर के अंदर जीरो होता है, वन है नीचे जीरो चाहिए, वन और वन को जोर करोगे नीचे जीरो आएगा, जीरो है नीचे जीरो चाहिए तो जीरो के साथ करोगे। तो बेटा यहाँ पे जो आपका ऑपरेंड बनेगा ना, अगर इसको मैं बी की फॉर्म में लिखूंगा तो जो आपका मास्क बन रहा है वो ये बन, इसका मतलब ये कि इस वैल्यू को अगर आप इसके साथ जोर करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये बनेगा, जो कि 24 होगा। तो आपको इसको सेट टू जीरो नहीं करना पड़ेगा, जीरो करके दोबारा और नहीं करना पड़ेगा, यही काम आप सिंगल कमांड के अंदर कर लोगे, जो हमने यहाँ पे दो कमांड्स के अंदर किया। बी का मतलब बिट, बाइनरी, बाइनरी की फॉर्म में। बेटा अब समझना जरूरी है कि क्या
अब पूरी वैल्यू लिख दो, 1 2 4 8, ये क्या बन रहा है? 1 2 4 8 क्या बन रहा? फोर्टीन बन रहा है ना, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ। अब अगर जॉर हैश 14 के साथ करोगे इस रजिस्टर को जॉर, तो आपके पास जो वैल्यू सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली वो 24 पे हो जाएगी। इफ यू वांटेड टू सेट वैल्यू 24 इन अ गिवन रजिस्टर, इसको जॉर हैश 24 करोगे तो 24 सेट हो जाएगी। देखो आपने इसको जॉर किया, हैश 24 का मतलब क्या, इसके साथ इस वैल्यू के साथ जोर किया, तो जो एंड रिजल्ट होगा वो आपको ये मिल जाएगा। सही है बेटा? आप नहीं बेटा, क्लास में बैठे हो, यू डू हैव सम सॉर्ट ऑफ ओसीडी। क्यों करनी थी, क्लास का टाइम खत्म हुआ है अभी। हाँ वैसे क्लास का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जब तक मैं डिसमिस नहीं बोलूंगा डिसमिस नहीं होना आप लोगों ने। बेटा इसको गौर से सुनो, क्या सबर करो, अभी ड्राइवर को बुला लेना, तब तक मेरे पास बैठ के वेट कर लेना, कुछ नहीं होगा। आप बेटा एक क्वेश्चन लो जल्दी से, लो इसको जल्दी से, सब सब बच्चों की कॉपी में होना चाहिए। हरी अब एक क्वेश्चन लिखो, बट दिस इज द प्रीवियस वैल्यू, दिस इज रजिस्टर्ड बाय ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस रजिस्टर बाय के अंदर डिपेंडिंग ऑन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपको बॉक्सेस दिए हुए होंगे, बना लो तो अच्छा, बना लो रजिस्टर वाई। सेट वैल्यू ऑफ रजिस्टर वाई टू सेट वैल्यू ऑफ रजिस्टर वाई टू 35। इसके बड़ा दोनों मेथड्स आपको अप्लाई करना है, एक ये वाला करना है। ठीक है, एक ये वाला मेथड यूज करना है आपको, ये मेथड वन हो गया, और दूसरा मेथड क्या करना है, जॉर। अच्छा इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं, सबको पता है कि हैश किसके साथ करेंगे, और लेकिन यहां लिखिएगा बी की फॉर्म में, और यहां जब आप बी की फॉर्म में लिख चुके होंगे तो यहां लिखिएगा हैश की फॉर्म में। इसके लिए एन है जीरो करोगे तो सारा जीरो हो जाएगा, फिर आपको 35 की बाइनरी पता नहीं क्या लिखोगे। और सावेज बड़े क्वेश्चन लिख लिया आपके पास, बेटा ये जो बिट मैनिपुलेशन है ना सावेज, इससे कुछ नहीं होगा बेटा, आपने कॉपी में लिख लिया कुछ पासवर्ड आपके। और
जो भी प्रीवियस बेटा एक काम करो, एक कॉलेज हो ना पूरा हायर कर लो, अपनी मर्जी के मुताबिक चला लो। क्या बेटा अगली क्लास में बिल्कुल पढ़ने वाले बूट के साथ आना। शाह बेटा एक दफा मेन बूट जाके तो देखो, एक क्लास लेकर देखो, वहां पर पूरी समझ में आ जाएगी।